हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंजीत एकेडमी। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव। दोस्तों, इस वीडियो हम चंडीगढ़ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़ की आधारशिला, दोस्तों चंडीगढ़ की आधारशिला 2 अप्रैल 1952 को रखी गई थी। नेक्स्ट, चंडीगढ़ स्मारक चिन्ह, दोस्तों चंडीगढ़ का स्मारक चिन्ह है खुला हाथ। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल, दोस्तों चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 44 वर्ग मील या 114 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजकीय पक्षी, दोस्तों चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। नेक्स्ट, दोस्तों चंडीगढ़ का राजकीय पशु, तो दोस्तों राजकीय पशु है जंगली भैंस। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का प्रादेशिक पशु, दोस्तों चंडीगढ़ का प्रादेशिक पशु है ग्रीन नेवला। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का प्रादेशिक पेड़, दोस्तों चंडीगढ़ का प्रादेशिक पेड़ है आम का पेड़। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में कुल कितने गांव हैं, दोस्तों चंडीगढ़ में कुल 24 गांव है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का प्रसिद्ध उपन्यासकार, दोस्तों चंडीगढ़ का प्रसिद्ध उपन्यासकार खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ शहर में नगर निगम की स्थापना कब हुई, दोस्तों चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना 1994 में हुई। इसका कार्यालय सेक्टर 17 में है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का लिंग अनुपात, दोस्तों चंडीगढ़ का लिंग अनुपात 1000 पर 818 है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ की साक्षरता दर, दोस्तों चंडीगढ़ की साक्षरता दर है 90.81% है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या वाला गांव, दोस्तों चंडीगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या वाला गांव दरिया है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन की स्थापना कब हुई, दोस्तों इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम चंडीगढ़ शहर का नक्शा तैयार करने के लिए किसको कहा गया, दोस्तों यह अल्बर्ट मेयर को कहा गया 1949 में। अल्बर्ट मेयर अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट, चंडीगढ़ शहर की नींव किसने रखी, दोस्तों चंडीगढ़ शहर की नींव पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अप्रैल 1952 को सेक्टर 9 में रखी थी। नेक्स्ट, औपचारिक रूप से चंडीगढ़ का उद्घाटन किसने किया, दोस्तों औपचारिक रूप से चंडीगढ़ का उद्घाटन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 अक्टूबर 1953 को किया था। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से चंडीगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से चंडीगढ़ का भारत में 34वां स्थान है। नेक्स्ट, वर्तमान में चंडीगढ़ शहर में कितने सेक्टर हैं, दोस्तों वर्तमान में चंडीगढ़ शहर में 56 सेक्टर हैं, पहले 30 सेक्टर थे। नेक्स्ट, चंडीगढ़ पुलिस की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर सेक्टर 9 में है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ की जेल कहाँ पर है, दोस्तों चंडीगढ़ की जेल बुड़ेल में है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ महिला पुलिस थाने की संख्या कितनी है, दोस्तों चंडीगढ़ महिला पुलिस थाने की संख्या 1 है, यह सेक्टर 17 में है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ पुलिस में कुल कितने थाने हैं, दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस में कुल 17 थाने हैं। नेक्स्ट, चंडीगढ़ लोकसभा सीट कितनी है, दोस्तों चंडीगढ़ में लोकसभा सीट 1 है। चंडीगढ़ लोकसभा सांसद कौन है, दोस्तों चंडीगढ़ के लोकसभा सांसद किरण खेर है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम क्या है, दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ की वर्तमान मेयर कौन है, दोस्तों चंडीगढ़ की वर्तमान मेयर आशा कुमारी जसवाल है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ की भौगोलिक संरचना, दोस्तों चंडीगढ़ हिमालय की शिवालिक पर्वतमालाओं की तराई में भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके चारों ओर शिवालिक पर्वतमालाएँ हैं। इसकी सीमा पूर्व में हरियाणा और उत्तर पश्चिमी और दक्षिण में पंजाब से लगती है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ परिवहन, दोस्तों चंडीगढ़ में कुल 15,275 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 में 22 चंडीगढ़ को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ के पर्यटन स्थल, दोस्तों चंडीगढ़ के पर्यटन स्थल इस प्रकार हैं। रॉक गार्डन, रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने किया था, यह 1957 में बनाया गया था। इस गार्डन में झरनों और जलकुंड के अलावा ओपन एयर थिएटर भी हैं। नेकचंद को रॉक गार्डन बनाने के उपलक्ष्य में 1984 में पद्मश्री मिला था। रॉक गार्डन सेक्टर 1 में है। नेक्स्ट, रोज गार्डन, यह जाकिर हुसैन के नाम पर बनाया गया था। इसका पूरा नाम जाकिर हुसैन रोज गार्डन है। यह सेक्टर 16 में है। यह एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। नेक्स्ट,
सुखना झील। दोस्तों सुखना झील यह मानव निर्मित झील है, यह 3 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका निर्माण 1998 में किया था। नेक्स्ट संग्रहालय, दोस्तों चंडीगढ़ में अनेक संग्रहालय हैं। यहाँ पर गांधार शैलियों की अनेक मूर्तियों का संग्रह देखा जा सकता है। यह मूर्तियाँ बौद्ध काल में संबंधित हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय डोल म्यूजियम ने दुनिया भर की गुड़ियाँ और कठपुतलियों का रखा गया है। यह 1985 में बनाया गया था। यह सेक्टर 23 में है। नेक्स्ट सुखना वन्य जीव अभयारण्य, दोस्तों यह लगभग 2600 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में वन्य जीव और वनस्पति पाई जाती है। मूल रूप से यहाँ पाए जाने वाले जानवर बंदर, खरगोश, गिलहरी, शाही सांभर, भेड़िए और जंगली बिल्ली पाए जाते हैं। नेक्स्ट बटरफ्लाई पार्क, दोस्तों यह सेक्टर 36 में है। नेक्स्ट चंडीगढ़ के प्रमुख स्टेडियम, दोस्तों चंडीगढ़ के प्रमुख स्टेडियम इस प्रकार है। हॉकी स्टेडियम, कैरम स्टेडियम, मोहाली स्टेडियम, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब, चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम और शूटिंग रेंज। नेक्स्ट चंडीगढ़ के प्रमुख नागरिक, दोस्तों चंडीगढ़ के प्रमुख नागरिक इस प्रकार हैं। नीरजा भनोट, इसका जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। यह मुंबई पैन एम एयरलाइंस विमान की परिचारिका थी। इसे भारत सरकार ने इसके बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया था। नेक्स्ट कपिल देव, इसका जन्म 1959 में हुआ था। यह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और गेंदबाज रह चुके हैं। इसको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1983 में इसकी कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था। नेक्स्ट युवराज सिंह, इसका जन्म 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था। इसको सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है। 2011 में विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। नेक्स्ट बलबीर सिंह, इसका जन्म 10 अक्टूबर 1924 को हुआ था। ये भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट जी मिल्खा सिंह, यह भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर रहे। यह प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह के पुत्र और इसकी माता निर्मल भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कप्तान रह चुकी है। इसे 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यह चंडीगढ़ जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों थैंक यू।